नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव हिजरावा कला में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की दीवार तोड़कर चोरों ने बैंक में सैम की। इसके साथ ही चोरों ने चोरी का असफल प्रयास भी किया। चोर बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच गए और स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक तोड़ने पर भरपूर प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ असफलता लगी, जिसके बाद आरोपी खाली हाथ ही वापस लौट गए। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया। फिलहाल आरोपियों की पहचान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बैंक मैनेजर सुनील कुमार से बैंक में चोरी के प्रयास किए जाने की सूचना मिली थी। जाँच पड़ताल की गई तो पाया गया कि रोशनदान के नज़दीक से खेत से की साइड से एक दीवार को तोड़ा गया और चोरों ने दीवार तोड़कर रास्ता बनाया, जिसके बाद चोर बैंक में घुस आए। चोरी करने के लिए आए हुए दो युवकों ने स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन लोगों से लॉक नहीं टूटा। बैंक में किसी अन्य प्रकार की नकदी की कोई घटना नहीं। आरोपी खाली हाथ वापस लौट गए। फिलहाल बैंक मैनेजर की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। थाना में सूचना मिली कि गांव हिजरावा कला में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की दीवार तोड़ रखी है, जिस पर मैं अपने साथी कर्मचारियों सहित मौका पर पहुंचा, जहां मैनेजर सुनील कुमार जी मिले। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाई, जिसमें दो नौजवान लड़के दीवार तोड़कर स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर बैंक में रुपये चोरी करने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिस पर अभियोग अंकित करके दबिश दी जा रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को काबू किया। किसी प्रकार की कोई राशि या नकदी नहीं चोरी हुई, सिर्फ कोशिश की गई है, स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर रुपए चोरी करने की कोशिश की गई है। ये चोर कहाँ से घुसे थे सर, किस प्रकार से उन्होंने? बैंक की पूरी भी दीवार है वो खेत के साथ लगता है और वो दीवार छत के नज़दीक से तोड़ रखी है। दीवार के ऊपर वहाँ रोशनदान था, रोशनदान के साथ से तोड़कर बैंक में एंट्री करी है। इसने इस पर अभियोग अंकित कर रखा है। 457, 380, 511 IPC के तहत अनुसंधान जारी है। इस प्रकार की वारदात करने वाले आरोपियों पर दबिश दी जा रही है, नशेड़ी वगैरह लड़कों से पूछताछ की जा रही है।